तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये डायलॉग भले ही फिल्मों का हो, लेकिन कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर अभी ये बिल्कुल फिट बैठा है। नहीं समझे? चलिए आपको समझाते हैं। पहले ये लग रहा था कि चुनावों से कई टाइम पहले लिस्ट आने वाली थी टिकट के उम्मीदवारों की, लेकिन नहीं, कांग्रेस का ये जो टिकट का लिस्ट का इंतजार है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि दिल्ली में जो महासंग्राम मचा हुआ है गहलोत गुट और पायलट गुट के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को टिकट देने की जो होड़ मची हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इधर जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कई सवाल कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। तो करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा। इसी के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में अब ये खबर फैल रही है कि करीब 25 से 30 नाम ऐसे हैं, बड़े बड़े विधायकों के, मंत्रियों के, जो अब कट सकते हैं। तो कौन है वो नाम, करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो महासंग्राम चल रहा है दिल्ली में, इस महासंग्राम के पीछे कई सारे कारण निकल कर आए हैं। एक तो देखिए, तारीख पर तारीख जो मिल रही है वो तो अलग है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो अब समझौता हो गया है गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में, और जो पहली लिस्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें करीब 25 से 30 ऐसे बड़े बड़े नामों को काट दिया गया है, हटा दिया गया है। तो क्या ये स्टेप बगावतों को मौका देगा, या फिर क्या रंग लाएगा, क्या परिणाम हो सकते हैं उनके? देखिए, बगावतों का अगर डर नहीं होता तो वो पार्टी जो ठोक बजा के कह रही थी कि 2 महीने पहले टिकट की घोषणा कर देंगे, वो महज नामांकन से कुछ दिन बाकी रह गए हैं अब, और अभी तक भी टिकट के अते पते उनके है नहीं। देखिए, ग्राउंड की वस्तु स्थिति अगर समझे तो वो ये है कि 3,000 से ऊपर नाम कुल मिला के गए हैं दिल्ली में, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। यानी कि पोस्टर जो लगे हैं, बैनर जो लगे हैं, दावेदारी जो ठोकी है, वो तो उससे भी कहीं ज्यादा होगी। तो 3,000 नाम तो पहुंचे हैं उनके पास। अब उन 3,000 नामों में से चुनने हैं केवल 200। अब समस्या ये है कि कांग्रेस सत्ताधारी दल है, अव्वल। दूसरी समस्या ये है कि इस दल में भी कई सारे दल है। जी गहलोत दल अलग है, पायलट दल अलग है, और उसके अलावा भी कई सारे सीनियर लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपना दल मानते हैं, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा मानते हैं कि वो उनका अपना दल है, और भी ऐसे तमाम सारे लोग हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हर कोई दावा ठोक रहा है कि वो अपने आदमी को टिकट दिलवा देगा, लेकिन टिकट मिलता जिसको है उसके बाद बढ़ेगी पूरी तरह से बगावत, और ये जो बगावत होगी वो भाजपा की बगावत से कई ज्यादा और कई भरसक होगी। कांग्रेस उस जी बगावत को टाइम नहीं देना चाह रही, और वहां जो आप कह रहे हैं कि पायलट बनाम गहलोत की लड़ाई जो चल रही है कि टिकट मेरे आदमी को मिले या मेरे आदमी को मिले, वो तो फैक्टर है ही। अब ऐसे में टिकट जिसको भी मिलता है उसके अपोजिशन वाला बगावत करेगा, ये बहुत लाजमी है। और ये बगावत पिछले बारी से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, भाजपा से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और ये जो बगावत होगी, अगर सचिन पायलट के अधिकतर लोगों का टिकट कटता है तो ये यकीन मान के चलिए कि सचिन पायलट के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और फिर शायद सचिन पायलट भी हो जाए। पायलट अगर बगावत कर देंगे तो जैसे सर्वे रिपोर्ट्स बता रही थी कि पायलट के क्षेत्रों में, पायलट के प्रभाव वाले इलाकों में ही कांग्रेस जीत रही है, वो तमाम सारी बातें पिट जाएगी। दूसरी तरफ हेमा राम का प्रदर्शन आपने देखा, हेमा राम चौधरी कांग्रेस के सबसे ईमानदार नेताओं में से आते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा मैं सचिन के अलावा किसी से मानूंगा ही नहीं। तो सचिन का प्रभाव कितना है वो पार्टी जानती है, देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत का भी जो कांग्रेस की ओल्ड ब्रिगेड प्रभाव है वो बहुत जबरदस्त है, और उसकी वजह से ये टसल सामने आ रहा है। ऐसे में जो पिसेंगे वो कई सारे लोग पिसेंगे, बगावत कई ज्यादा होगी, कांग्रेस कई धड़ों में बट जाएगी, और ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, और बीजेपी को फायदा पहुंचा भी रहा है। अब ऐसे में बीजेपी ने अपने पहले पत्ते खोल दिए हैं कि वो कैसे कैसे लोगों को उतारने वाली है, तो अब कांग्रेस के लिए और भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने जो पहले सोच रखा था सर्वे के आधार पर, जो भी 3-4 सर्वे हुए थे उनके आधार पर, उन सारी सोच पर कई सारा पानी फिर गया है, क्योंकि बीजेपी में टिकट इस हिसाब से दिए गए हैं कि जो सांसद अपने इलाके में, देखिए संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है,
लेकिन वो सांसद अगर उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रभाव करने वाले वोट लाया है तो उसे बतौर कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड उसका देखते हुए वहां पर उनको जगह दी है, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दी है या दिया कुमारी को दी है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अभी बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ गई है। जिताऊ पहले ढूंढने हैं, उसके बाद बगावत खत्म करनी है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स उनके सामने आ गए हैं जिसके बाद में कहीं ना कहीं डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। और डिसीजन ले भी लें तो भी इतने सारे लोग स्टेक होल्डर्स वहां पर हैं कि मेरे वाले को टिकट दो, मेरे वाले को टिकट दो, वो सारी भी मुश्किलें चल रही है। तमाम सारे दावेदार जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो दिल्ली में अपनी फील्डिंग जमा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त टसल चल रहा है और आप देखिएगा जिस वक्त बट जाएंगे टिकट उसके बाद ये बगावत और कितनी बड़ी होती है रोज बयान। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि बगावत तो होगी ही, आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन बगावत हो रही है वहां कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा आंख गड़ाए हुए बैठा है कि जैसे ही बगावत होती है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है अंदर खाने कि हमें टिकट नहीं मिली तो हमें किस ओर मुड़ना है। तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा भी इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि बीजेपी की बगावत शुरू हो चुकी है, कांग्रेस में लिस्ट आते ही बखूबी बगावत होगी ही, और उन बगावत होने का जो फायदा होगा वो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा उठा ले। देखिए तीसरा मोर्चा भी तो कितना सारा है और वो तीसरा मोर्चे में से भी बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जो भाजपा की भी टीम है या कांग्रेस की भी टीम है। अब ऐसे में तीसरा मोर्चा कौन सा ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि अगर हम एक तरफ से देखें तो आरएलपी का कार्ड जेजेपी के नाम से पहले ही बीजेपी ला चुकी है मैदान में, उधर से हनुमानगढ़ और उस साइड में आम आदमी पार्टी वोट कटवा नीति को अपना रही है। इसी तरह से बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग, निर्दलीय लोग भी आएंगे मैदान में, ये सब वोट काटेंगे। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि वोट काटना एक व्यवसाय की तरह काम करने लग जाता है इलेक्शंस में। ये कोई बहुत बड़ा क्लोज सीक्रेट नहीं है कि लोग जिनके पास भी 100 200 500 वोटों पे भी प्रभाव होता है वो अपने आप को खड़ा कर लेते हैं और कुछ पैसे लेके बैठ जाते हैं, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये जो पार्टियां खड़ी हुई है आरएलपी से लेकर बाकी तमाम सारी पार्टियां, वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत दम रखती है वो लोगों का कहना है कि कुछ पार्टियां बीजेपी की टीमें हैं, कुछ पार्टियां कांग्रेस की टीम भी है। अब देखना ये होगा कि कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत कट टू कट इलेक्शन होने वाला है। और इस कट टू कट इलेक्शन में क्या हनुमान बेनीवाल पहले से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्या आम आदमी पार्टी को भी कुछ मिलेगा, क्या भाजपा कांग्रेस दोनों को ही बहुमत नहीं मिलेगा, क्या गेम चेंजर की भूमिका बेनीवाल अपनाएंगे, क्या गेम चेंजर कुछ और निर्दलीय हो जाएंगे, इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही है। क्या कांग्रेस वाले खुद कुछ निर्दलियों को खड़ा कर देंगे जिस तरह से पिछली बार किया था, सब जानते हैं किसने किया था और किन निर्दलियों की सरकार बनी, क्योंकि ये भी एक रणनीति होती है कि मैं सरकार पूरी नहीं बनने दूं ताकि जो मैनेजमेंट रहेगा सीटों का वो मैं ही कर सकूं, तो मेरे पास ही लोग आए और मुझे मुख्यमंत्री बनाए, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। जी बिल्कुल, इतने सारे सवाल तो यहाँ पर खड़े कर ही चुके हैं हम, इन सारे सवालों का जवाब अब वक्त आने पर ही पता लग पाएगा। कांग्रेस के लिस्ट जारी होते ही जो हंगामा होना बाकी है, उसके बाद जो बगावतें होंगी और कैसे पाटेगी उनको कांग्रेस, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है। बस कुछ ही समय बचा है लिस्ट आने में, तो ये इंतजार कब खत्म होता है और इसके आगे क्या भूचाल, क्या बवाल आने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है, इसलिए जरूर लिख डालिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339990549 पर।